गाजा में हमास का चैप्टर क्लोज करने उत्तरी इजरायली सेना पर हिजबुल्ला भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास का साथ देने उतरा लेबनान का ये खूंखार समूह इजरायल पर काल बनकर टूटा है। हिजबुल्ला लड़ाके इजरायली सेनाओं के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। कई मोर्चों पर छिड़ी जंग में फंसी इजरायली सेना को हिजबुल्ला सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इस समूह के लड़ाके इजरायल को सबसे ज्यादा झटके दे रहे हैं। इजरायल के उत्तरी बॉर्डर पर उसकी चौकियां और सैन्य उपकरणों के साथ साथ उसके जवानों पर जमकर हमले कर रहे हैं। लेबनानी प्रतिरोध के हमलों को झेलते झेलते त्रस्त हो चुकी इजरायली सेना अब सीधे 1-to-1 फाइट की धमकी देने लगी है। गाजा में हमास का अब तक सफाया न कर पाने वाले इजरायल एक और युद्ध में खुद को ढकेलता दिख रहा है। जंगी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल पर हावी हैं। हर दिन चलाए जा रहे खतरनाक सैन्य ऑपरेशनों से हिजबुल्ला ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। इसराइल को बड़ी चोट पहुंचाने का सिलसिला एक बार फिर जारी है। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध ने बताया कि उसके लड़ाकों ने काबरी के दक्षिण में 146वीं ब्रिगेड की तोपखाना बटालियन के हाल में बने मुख्यालय पर दर्जनों ड्रोनों की बौछार की। यह हमला लेबनानी लोगों और गांवों के खिलाफ इजरायली तोपखाने की गोलीबारी और हवाई हमलों के जवाब में था। इसमें समूह ने दावा किया कि उसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस दौरान कई इजरायली बलों के हताहत होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हिजबुल्ला ने बताया कि उसकी कार्रवाई गाजा में फिलिस्तीनी लोगों और उनके बहादुर प्रतिरोध के समर्थन में तब तक जारी रहेगी जब तक इजरायली सेना वापस अपने इलाके में नहीं चली जाती। हिजबुल्ला लड़ाकों ने घातक और लंबी दूरी के हथियारों से इजरायली अल मिल्किया साइट पर हाल ही में बने तकनीकी साइट्स को निशाना बनाया, जिसको लेकर सीधे हमले का दावा किया गया। समूह ने हनीटा साइट के पास इजरायली सैनिकों के कैंप पर भी रॉकेट हथियारों से अचानक हमला किया। ऐसा दावा है कि जोरदार हमले में इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस्लामिक प्रतिरोध ने इजरायली हदाब यारीन साइट पर हाल में लगाए गए जासूसी उपकरणों को सटीक निशाने से भेदने का खुलासा किया। हिजबुल्ला लड़ाकों ने इश्तूला बस्ती में इजरायली सैनिकों की ओर से इस्तेमाल होने वाली दो बिल्डिंगों पर गाइडेड मिसाइलों से बमबारी की। बताया गया कि हमले में बिल्डिंगें आग की चपेट में आ गईं, वहीं इसमें मौजूद लोग मारे गए तो वहीं काफी घायल भी बताए गए। रेजिस्टेंस ने बताया कि ऑपरेशन दक्षिण लेबनान शहरों अल जिबैन और राम्या पर इजरायली हमलों के जवाब में था। प्रतिरोध ने जारिड बैरक के पास इजरायली सैनिकों की तैनाती पर भारी बुरकान रॉकेट से बमबारी भी की। इतना ही नहीं, आक्रोशित लड़ाकों ने कब्जे वाले लेबनानी कफार चौबा हिल्स में इजरायली अल रामथा साइट पर रॉकेटों की भीषण बौछार की। साथ ही कब्जे वाले लेबनानी शेबा फार्म में इजरायली जिद्दीन साइट पर भी बमबारी की। हिजबुल्ला ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इसमें लड़ाकों को फिलिस्तीन में एडमिट बस्ती में इजरायली सैनिकों की एक इमारत को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनानी बॉर्डर पर भी इजरायली हदाब यारीन और बिरकेट रिशा साइट्स को निशाना बनाया। इस पर इजरायली मीडिया ने दावा किया कि 11 जुलाई 2024 को एक रिजर्व IDF सैनिक मारा गया। साथ ही बताया कि हाल के हफ्तों में कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स में बजने वाले सायरन की संख्या 450% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही गोलान अब एक शांत इलाका नहीं रहा, बल्कि हिजबुल्ला की ओर से रॉकेट और ड्रोन के लॉन्च पैड के तौर पर उत्तर में युद्ध का एक नया मोर्चा बन गया है।